नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों को हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इन दिनों एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। बीते दिनों जिम में वर्कआउट करते समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। वो अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। फैंस और परिवार लगातार उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव ने कई कॉमेडी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम किया है। वहीं इन दिनों वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। लेकिन क्या आप राजू श्रीवास्तव की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं? राजू श्रीवास्तव की पत्नी का नाम शिखा श्रीवास्तव है और उनकी लव स्टोरी बेहद खास है। राजू ने शिखा को पहली बार अपने भाई की शादी में देखा था। शिखा को देखते ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था और तब उन्होंने शिखा से शादी करने का सोच लिया था। राजू को पता चला कि शिखा उनकी भाभी के चाचा की बेटी है और इटावा में रहती है। इसके बाद उन्होंने पहले शिखा के भाइयों से मेलजोल बढ़ाया। हर बार वो उनके भाइयों से मिलते लेकिन शिखा से कुछ नहीं कह पाते। वहीं इस बीच राजू श्रीवास्तव अपनी किस्मत को आजमाने मुंबई आ गए। वहाँ उन्होंने खूब मेहनत की और अपना नाम बनाया। बीच बीच में राजू शिखा के घर खत भेजते रहते थे, ये पता करने के लिए कि उसकी शादी तो कहीं और फिक्स नहीं हो गई। एक दिन राजू ने अपना रिश्ता उनके घर भिजवाया, जिसके बाद शिखा के भाई उनके मुंबई वाले घर को देख कर गए। उसके बाद दोनों की शादी तय हो गई। शिखा को पहली बार देखने के बाद राजू श्रीवास्तव ने उनसे शादी करने के लिए 12 साल तक इंतजार किया। राजू और शिखा की शादी साल 1993 में हुई। दोनों के दो बच्चे भी हैं। फिलहाल राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार है और हर कोई उनके जल्द ही ठीक होने की दुआ कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।